मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हो सकता है भले ही किसी भी एक्टर को आगे जाकर लोगन स्लैश वुल्वरीन के रूप में लेकर आए, लेकिन हमारे लिए तो हमारे वुल्वरीन ह्यू जैकमैन ही रहेंगे। और रिसेंटली मैंने उनकी लास्ट वुल्वरीन की आउटिंग लोगन एक बार फिर से देखी, जिसने मुझे इस बात को रियलाइज करने पर मजबूर किया कि मैंने इस मूवी के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की है। लेकिन थैंक्स टू मैनी ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स जिन्होंने इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने के लिए इनकरेज किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द लोगन मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि क्यों इस मूवी को वुल्वरीन ना बुलाकर लोगन बुलाया गया था, कौन सा और एक्समैन का पुराना विलन हमें इस मूवी के अंदर दिखने वाला था, जानेंगे इस मूवी को आर रेटिंग बनाने में ह्यू जैकमैन ने किस तरह से हेल्प की थी, साथ ही साथ जानेंगे उनके डेडली बिहाइंड द सीन रिचुअल के बारे में जिन्होंने इस मूवी के अंदर लोगन की रस्टेड पर्सनैलिटी में जान डाल दी, जानेंगे कि इस मूवी का सीक्वल कैसा होने वाला था और क्यों उसे कैंसिल कर दिया गया, और फाइनली जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्फ वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स ये बात तो हर मार्वल फैन जानता ही होगा, लेकिन जो नहीं जानता मैं उन्हें बता दूं कि 2017 की लोगन मूवी एक्चुअली बेस्ड है 2009 की वुल्वरीन ओल्ड मैन लोगन कहानी पर, जिसे लिखा था कॉमिक बुक राइटर मार्क मिलर ने, जो बेसिकली एक 8 इशू की वुल्वरीन की पोस्ट अपोकलिप्टिक कहानी थी। लेकिन यहाँ पर एक कारण था कि इस मूवी को ओल्ड मैन लोगन नहीं बुलाया गया, क्योंकि जैसा कि ये ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन की लास्ट अपीयरेंस होने वाली थी, यहाँ पर जेम्स मैंगोल्ड एक्चुअली वुल्वरीन के बजाय लोगन को एक्सप्लोर करना चाहते थे और यहीं से इस मूवी को अपना नाम लोगन मिला। लेकिन आखिर ये ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन की रिटायरमेंट की कहानी आखिर बनी कैसे, इसकी भी अपनी एक कहानी है, जहां पर 2013 की वुल्वरीन के लॉन्च होने के बाद ह्यू जैकमैन इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो अपने रोल को आगे बढ़ाना चाहते भी हैं या नहीं। लेकिन 2014 के एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में रीनेगोशिएटेड होने के बाद वुल्वरीन की एक लास्ट मूवी को कंसिडर करने लगे, जहां पर उन्हें इस कैरेक्टर से रिटायर होने का सजेशन अमेरिकन कॉमेडियन जेरी साइनफील्ड ने दिया था, क्योंकि वो भी 9 सीजन तक अपने सिटकॉम साइनफील्ड को चलाने के बाद रिटायर हुए थे, और ह्यू जैकमैन की बढ़ती हुई एज और अपने स्किन कैंसर की बढ़ती हुई कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर उन्होंने इसे एक लास्ट मूवी बनाने का फैसला किया, जहाँ पर जेम्स मैंगोल्ड ने उन्हें ओल्ड मैन लोगन के बारे में बताया और इन दोनों ने एक साथ मिलकर इस कहानी के आइडिया पर काम किया। डिस्पाइट बीइंग सो यंग, यहाँ पर डेफनी कीन के X23 ने वुल्वरीन की रेज को एक बराबर की टक्कर दी थी, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि उनसे पहले उस समय की एक और फेमस चाइल्ड एक्ट्रेस यानी स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 का रोल प्ले करने वाली मिली बॉबी ब्राउन ने भी इस रोल के लिए कई सारे ऑडिशन दिए थे, जहाँ पर उन्होंने ह्यू जैकमैन के साथ भी स्क्रीन टेस्ट दिया था, लेकिन उस समय अपनी टीन इयर्स में होने के कारण जेम्स मैंगोल्ड ने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया था, और ऑडिशन में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और इम्प्रोवाइजेशन की वजह से यहां पर इस रोल को डेफनी कीन को दिया गया। इस मूवी की सबसे बड़ी जान थी बहुत ही हार्डकोर रफ लैंग्वेज और वॉयलेंस, जिसने बेसिकली कॉमिक बुक के वुल्वरीन की कहानी के साथ बहुत ज्यादा जस्टिस किया। लेकिन यहाँ पर इस चीज के लिए भी हमें ह्यू जैकमैन को ही थैंक्स बोलना चाहिए, जिन्होंने एक्चुअली अपने $20 मिलियन की सैलरी में से भी अमाउंट को रिड्यूस करवाया था, ताकि स्टूडियो को कोई भी बहाना न मिले इस मूवी को प्रोड्यूस न करने का। एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन भले ही उतनी बेहतरीन न हो, लेकिन इस मूवी का एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट मुझे लगा था लिव स्क्रेबर का सेबर टूथ, जिसे एक्चुअली इस मूवी के अंदर फिर से अपीयर कराया जा रहा था, और इस कैरेक्टर को लेकर भी जेम्स मैंगोल्ड का एक विजन था, जहां पर हमें इस मूवी के अंदर वो एक कैसीनो को ओन करते हुए दिखता। लेकिन यहां पर लिव स्क्रेबर के शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और इस मूवी की कहानी को लोगन और X23 पर फोकस करने के कारण सेबर टूथ को इस मूवी से हटा दिया गया। जिस सीन के अंदर हमें लोगन एक्चुअली प्रोफेसर जेवियर के मेंटल ब्रेकडाउन के बाद उन तक मुश्किल से पहुंचते हुए दिखता है, इस सीन को अच्छे से पोर्ट्रे करने के लिए यहाँ पर ह्यू जैकमैन को रस्सियों से खींचा गया था, जो बेसिकली उनके आगे बढ़ने वाली स्ट्रगल को दिखाने में बहुत काम आया। वैसे इसी सीन के अंदर डेफनी कीन को 11 साल की होने की वजह से इस कैसीनो में आने की परमिशन नहीं मिली थी, जिसके कारण उनके कई सीन्स को ग्रीन स्क्रीन के सामने भी शूट किया गया था। वहीं पर उनकी बॉडी डबल जो 18 साल की थी, उनकी डेफनी कीन के सिमिलर बिल्ड और फिजिक के कारण उन्हें एक्चुअल सेट पर इस सीन के लिए इस्तेमाल किया गया था। वहीं पर जब बात X23 के बॉडी डबल्स की हो रही है, तो यहाँ पर लॉरा की एक और बॉडी डबल
रिसा के लड़की काम से जेम्स मैंगोल्ड इतने ज्यादा इंस्पायर हुए थे कि उन्होंने पाइन कोन गर्ल का रोल उन्हें ही दिया था। वैसे तो पहले भी एक्समैन मूवीज के अंदर परफेक्ट वुल्वरिन के रूप में दिखने के लिए ह्यू जैकमैन ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन इस मूवी का मेहनत और भी कहीं गुना ज्यादा था, जिसके ऊपर से अपने आप को बदहाल दिखाने के लिए यहाँ पर ह्यू जैकमैन ने इंटेंशनली शूटिंग के 48 घंटे पहले से ही डिहाइड्रेशन शुरू कर दिया करते थे, ताकि शर्टलेस सीन्स में वाटर वेट का असर ना दिखे। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल उन्होंने इस मूवी से 5 साल पहले आई लेज मिजराबल्स में जीन वेलजीन के रोल के लिए किया था। मूवी का वो इमोशनल डिनर टेबल वाला सीन तो आपको याद ही होगा। वेल, चार्ल्स जेवियर का रोल निभाने वाले पैट्रिक स्टुअर्ट के हिसाब से उस सीन के अंदर ज्यादा लाइंस नहीं थी, जिसके कारण यहाँ पर एक्टर्स ने खुद ही कई सारी लाइंस को इम्प्रोवाइज किया था। अब वैसे तो इस मूवी के अंदर दूसरे मार्वल मूवीज के कंपेयर में बहुत ही कम विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, ताकि इस मूवी को और भी ज्यादा नेचुरल और ह्यूमन लुक दिया जा पाए। लेकिन जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर इमेज इंजन स्टूडियोज ने एक्टर्स के बिल्कुल सेम टू सेम विजुअल इफेक्ट्स रेंडर को क्रिएट किया था, जहाँ पर इन CGI रेंडर्स को बॉडी डबल्स के ऊपर सुपर इम्पोज किया गया था, और ये मूवी के अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा सीमलेस था। भले ही फॉक्स की क्रिएटेड इस ओवरऑल फ्रेंचाइजी को एक मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, लेकिन जो इसमें सबसे बेहतरीन था वो था ह्यू जैकमैन का लोगन / वुल्वरीन। और इस मूवी की एंडिंग तक वुल्वरीन का जाना इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि इसी से इंस्पायर होकर एंड गेम में टोनी स्टार के डेथ को भी दिखाया गया था। लेकिन सरप्राइजिंगली, जैसा कि जेम्स मैंगोल्ड इस कैरेक्टर को हमेशा से खत्म करना चाहते थे, ह्यू जैकमैन इस कैरेक्टर को खत्म नहीं करना चाहते थे, और वो बेसिकली एक ऐसा लूप होल छोड़ना चाहते थे जिससे वो कभी वापस आ पाए। और यहाँ पर वापस ना आने का उनका सबसे बड़ा पछतावा यही था कि वो किसी एवेंजर्स मूवी में एक साथ एवेंजर्स के नहीं दिख पाए, ना ही वो कभी रैंड रॉड्स के डेडपूल के साथ क्रॉसओवर कर पाए। लेकिन यहाँ पर यही अच्छी बात भी है, क्योंकि ह्यू जैकमैन के हिसाब से वो इस फ्रेंचाइजी के अंदर तभी अपनी वापसी करेंगे अगर उन्हें डेडपूल के साथ क्रॉसओवर करने दिया जाए। और जैसा कि डेडपूल 3 की तैयारी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है, मैं सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होऊंगा अगर मार्वल स्टूडियोज यहाँ पर ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को एक्चुअली दिखा दे। भले ही इस मूवी से लोगन की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली लॉरा की कहानी नई शुरू हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर जेम्स मैंगोल्ड ने लॉरा की अपनी स्पिन ऑफ पर भी काम चालू कर दिया था, और ये बेसिकली इसी मूवी के सीक्वल की तरह रिलीज होती। लेकिन जैसा कि 2017 के बाद डिज्नी और फॉक्स का मर्जर चालू हो गया, 2019 तक इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। देखते हैं यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कौन सा डिसीजन लेता है। इस मूवी के एक्शन, इमोशन और ट्रेजेडी को और भी अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए इस मूवी का ब्लैक एंड व्हाइट यानी नोआर वर्जन भी 29 अप्रैल 2017 को लिमिटेड थिएटर्स के लिए रिलीज किया गया था, और बाद में इसे DVD कॉम्बो पैक के साथ रिलीज भी किया गया था। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस की, तो इस मूवी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था, जहां पर इस मूवी को 97 से 127 मिलियन डॉलर्स के बजट के आसपास बनाया गया था, और इस बजट पर इसने टोटल 619 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड कमाए थे, जहां पर इसने सिर्फ और सिर्फ 13 दिन के अंदर अंदर अपनी पिछली मूवी का टोटल कलेक्शन यानी 414 मिलियन डॉलर्स सरपास कर दिया, और यहां पर इसने 440 मिलियन डॉलर्स कमाए। बात करें अगर क्रिटिकल रिस्पांस की, तो ये मूवी बहुत बेहतरीन साबित हुई, जहां पर ये बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, लेकिन ये अवार्ड इसे नहीं मिल पाया। और इस मूवी के एंड के साथ यहां पर ह्यू जैकमैन ने लॉन्गेस्ट करियर एज अ लाइव एक्शन मार्वल सुपर हीरो का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड सेट किया, जहां पर वो इस कैरेक्टर को 16 साल 282 दिन लेकर चले थे। सो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द लोगन मूवी फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ह्यू जैकमैन अपने वुल्वरिन के रोल में वापसी करें, क्योंकि मैं यहाँ पर उनके अलावा किसी और वुल्वरिन को इमेजिन भी नहीं कर सकता। बस यहाँ पर देखना यही होगा कि मार्वल स्टूडियोज किस एक्टर के फॉर्म में और कैसा वुल्वरिन हमें प्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, और इस मूवी से जुड़े हुए आप और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे और सब वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।